यानी जो 5 साल से कम आयु के बच्चे कहीं भी बिना किसी वारिस के घूमते हुए लावारिस कई बार पुलिस को मिल जाते हैं, कहीं कहीं वो लोग छोड़ देते हैं और उसका कोई आगे मालिक, कोई उनका माँ बाप, कोई उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तो ऐसे सब 5 साल से नीचे के बच्चे या 1 साल से छोटा बच्चा जिसको हम कहते हैं सरेंडर, वो शिशु बच्चे को किन्हीं भी कारणों से, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो आपको पता है कि सामाजिक दृष्टि से जो उचित नहीं माने जाते, तो उन बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं कूड़े में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ाया, कहीं छोड़ाया, तो ऐसे बच्चों को अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। तो हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे इन चाइल्ड केयर होम्स में, कोई भी आएगा वो नहीं, तो ऐसे निश्चित संख्या है उनकी। और उनको 25 साल की उम्र तक या उससे पहले अगर उनकी शादी कराने में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को उनका बना दिया है गार्जियन, तो वो शादी की व्यवस्था भी उनकी, बच्चों की चाहे लड़का है चाहे लड़की है किसी प्रकार से वो हो जाती है, तो तब तक ये व्यवस्था सरकार करेगी। पहले पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़ जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो फिर उनको 25 साल से पहले उनकी नौकरी ग्रुप सी और डी 10वीं या 12वीं उसकी शिक्षा के हिसाब से, वो उनको एक्सग्रेसिया के हिसाब से मिलेगी, कोई उनका एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको सी और डी में नौकरी का जो पात्र है उसको मिलेगी। लेकिन ए और बी के लिए वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपना सिलेक्शन में जाने के लिए जो प्रोसीजर रहता है, उनको रिजर्व्ड कैटेगरी EWS इसका एक बेनिफिट उनको दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, उसके अंदर वो आ जाएंगे। उसमें चाहे वो सरकारी नौकरी सरकार हरियाणा सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, तो EWS का उनको श्रेणी का लाभ मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए और 25 साल तक अगर उससे पहले नौकरी लगता है तो उस नौकरी की जो उसकी सैलरी है वो भी उसकी रिजर्व रहेगी, खर्च उसका तब भी गवर्नमेंट ही करेगी, केवल उसमें से अगर वो चाहता है तो 20% पैसा निकाल करके स्वयं खर्चने की इच्छा करता तो कर सकता है। यानी एक प्रकार का वो डिप्टी कमिश्नर ही उसका रहेगा गार्जियन, और उसके बाद शादी होने के बाद वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। और उसको कहीं भी मकान के लिए अगर कुछ राशि उसको एज लोन देना होगा तो 2 कमरे के मकान के लिए लोन भी दे दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र ₹21,000 देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।